नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सोनभद्र पुलिस ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके में कुल 5 टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। अपर पुलिस अधीक्षक OP सिंह ने बताया कि हेरोइन की बिक्री करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने कुल 85 ग्राम हेरोइन बरामद की और कारोबार में इस्तेमाल होने वाली एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी बरामद की। इसके साथ ही रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के कंजड़ बस्ती में छापेमारी कर 35 कुंटल लहन नष्ट किया, जबकि 150 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। इसके साथ ही शराब बनाने का उपकरण और शराब बनाने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सभी महिलाएं शामिल हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जनपद सोनभद्र अंतर्गत पूरे जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में आज जनपद सोनभद्र के रावर्ट्सगंज कोतवाली को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें विविध जो टीमें इनके स्तर से बनाई गई थी उनमें कुछ हीरोइन और कुछ अवैध जो शराब बनाए जा रहे थे उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जो जनपद की टीमें कार्य कर रही थी उसके तहत लगभग 80 ग्राम से ज्यादा हीरोइन की बरामदगी हुई है और उसमें 7 अभियुक्तों की नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो अवैध शराब जहां बनाए जाने की जो सूचना मिली थी, उस सूचना पे पुलिस द्वारा पहुंच करके लगभग 30 कुंटल से ज़्यादा लहन को नष्ट कराया गया है और वहां से 150 लीटर के आसपास ये अवैध शराब की बरामदगी हुई है और कुल मिलाकर 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। ये एक अनवरत प्रोसेस है, इस तरीके की इलीगल जो भी गतिविधियां जहां चल रही है उसके विरुद्ध ये अनवरत कार्रवाई जनपद सोनभद्र की पुलिस द्वारा की जा रही है।